भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम मास के 25वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं और इस कथा का श्रवण 25वें दिन करना चाहिए। तो 25वें अध्याय की कथा आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पुरुषोत्तम मास मल मास अधिक मास जो कि 3 वर्ष में एक बार आता है और यह मास साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है। इस महीने जो मनुष्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दीप दान करता है, भगवान का विशेष पूजन अर्चन करता है, उसके जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आप भी पुरुषोत्तम मास अधिक मास का पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरहपीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनकपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वैणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रावीशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशियानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास अधिक मास मल मास के 25वें अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। दृढ़ धन्वा बोला कि हे ब्रह्मन, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रती मनुष्यों के लिए कृपया भली भांति उद्यापन विधि भी बताइए। वाल्मीकि ऋषि बोले कि पुरुषोत्तम मास के व्रत की संपूर्ण प्राप्ति के लिए उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूं। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14, नवमी या अष्टमी तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया करके जो पूजन सामग्री सुलभ हो उसी से प्रातः की क्रिया करें। फिर प्रसन्न चित्त से विष्णु भक्त 30 सदाचारी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रित करें, अथवा यथाशक्ति श्रद्धा अनुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को सपत्निक आमंत्रित करें। फिर दोपहर के समय एक द्रोण लगभग 16 किलो 8 किलो या 4 किलो यथाशक्ति 5 धान्यों से उत्तम सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सोने चांदी तांबा या मिट्टी के जिसमें छिद्र न हो ऐसे 4 कलश की स्थापना करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कलशों पर श्रेष्ठ वस्त्र लपेट करके नारियल रखे, उनके ऊपर पान रखे। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवताओं की स्थापना करें। उसके पश्चात पुरुषोत्तम मास के आरंभ में जिस कलश पर श्री राधा सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति स्थापित की उसे वहां से ला करके मंडप के ऊपर बीचों बीच स्थापित करें। वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बना करके 4 ब्राह्मण जप के लिए वरण करें। उन ब्राह्मणों को हस्त मुद्रा आदि छापे के 2-2 वस्त्र प्रदान करें।
फिर आचार्य को धोती दुपट्टा अंगूठी आदि से विभूषित करके शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे, फिर पूर्वोक्त विधि से सपत्नीक होकर यानी पति पत्नी सहित जोड़े सहित पूजन करे, वरण किए हुए चारों ब्राह्मणों से चतुर्व्यूह का जाप करावे, चारों दिशाओं में चार दीपक जलाएं, फिर क्रम से नारियल आदि को अर्घ्य प्रदान करें, तत्पश्चात दोनों घुटनों के बल बैठ करके दोनों हाथों में पंच रत्न और श्रेष्ठ ऋतुफल लेकर के श्रद्धा सहित प्रसन्न चित्त होकर के श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ और उनको अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तमा ग्रहण अर्घ्यम मया दत्तम राघवा सहितो हरे। हे देव देव पुराण पुरुषोत्तम, आपको हम नमस्कार करते हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। हे हरि राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप स्वीकार करें। हे मुरलीधर, हे चार भुजा वाले, नवीन मेघ के समान श्याम शरीर वाले, पीताम्बर धारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव देव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति से राधा सहित भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करके नाम मंत्रों से अंत में स्वाहाकार लगा करके तिलों से हवन करना चाहिए, फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण तथा मार्जन करें, फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें और उसके बाद नील कमल के समान कांति वाले कोटि कामदेव के समान सुंदर श्री राधिका रमण की मैं सप्रेम आरती की कामना करता हूँ तथा प्रभु से प्रार्थना करें। हे अंतःकरण में ज्योति स्वरूप अनंत रत्नों से रचे हुए सिंहासन पर विराजमान वृंदावन में वंशी की ध्वनि से ब्रज की स्त्रियों को मोहित करके उनसे घिरे हुए सुंदर कौस्तुभ मणि से दैदित्यपान हृदय वाले रत्न जड़ित मुकुट एवं कुंडल धारी पीताम्बर धारी राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित हरि को पुष्पांजलि देकर के अपनी स्त्री सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करे, प्रणाम करे, ब्रह्मा को स्वर्ण मूर्ति सहित पूर्ण पात्र दे, फिर आचार्य को प्रसन्नता सहित दक्षिणा प्रदान करे, भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण प्रदान करके प्रसन्नता पूर्वक ऋतुजो को दक्षिणा प्रदान करे, दूध देने वाली सीधी गाय का बच्चा या गौदान सहित घंटा घुघरू और किंकिणी से सजा करके पीठ पर तांबा मढ़ करके स्वर्ण के सींग चांदी से खूर मरवा करके दे, फिर गौदान करे और घी तथा तिल के लिए पात्र का दान करे, शंकर पार्वती के निमित्त ब्राह्मण ब्राह्मणी के पहनने के सारे वस्त्रों का दान करना चाहिए तथा समस्त सौभाग्य की वस्तुओं का भी दान करना चाहिए, आठ प्रकार का पद दान दे, एक जूता जो है जोड़ी भी देना चाहिए यानी चरण पादुका भी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो यह विचार करके कि जीवन क्षण भंगुर है वैष्णव ब्राह्मण को जो है मैं दान देता हूँ, इस प्रकार उनको श्रीमद भागवत ग्रंथ का दान भी करना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह और देर नहीं करना चाहिए क्योंकि श्रीमद भागवत के अंदर साक्षात नारायण का निवास है, साक्षात भगवान उसमें विराजित होते हैं। इसलिए अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य ब्राह्मण को श्रीमद भागवत का दान करता है उसे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस ग्रंथ को यदि वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दान दे तो करोड़ों गुना यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा मनुष्य अपने करोड़ों पीढ़ी का उद्धार करके अप्सराओं से सेवित होकर के विमान में बैठ करके योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को प्राप्त करता है। हजारों कन्यादान सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ धान्य सहित खेतों का दान और तुला दान आदि आठ प्रकार के महादान और वेदों का दान ये सब दान श्रीमद् भागवत के दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अतः श्रीमद् भागवत कथा को स्वर्ण सिंहासन पर रख करके रेशमी पीत वस्त्र ओढ़ा करके आभूषणों से सजा करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। कांसे के 30 बर्तनों में 30-30 मालपुआ रख करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे पृथ्वीपते, प्रत्येक मालपुआ में जितने छेद होते हैं उतने ही हजार वर्ष तक वह पुरुष वैकुंठ लोक में निवास करता है। वह योगियों को भी दुर्लभ सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक में निवास करता है जहां से फिर
पुनः लोड करके उसे नहीं आना पड़ता है। 2.5 किलो कांसे के संपुट का विधान बताया गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति करे, जो भी बन सके उसको दान करना चाहिए, और यह भी न हो सके तो भगवान के निमित्त कच्चा सामान जैसे दान दक्षिणा, उस वस्तु के निमित्त रुपया पैसा, मावा, चीनी, गुड़ का और गेहूं का आटा और सौंफ, घी, ऋतुफल आदि का दान करना चाहिए। हे नराधिप, आमंत्रित ब्राह्मण दंपति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके दान करना चाहिए। श्री कृष्ण जगदाधार जगदानंद दायक एहि का मुष्मिकम आनंद निखिलात्मर यान में पशु। हे श्री कृष्ण जगदाधार जगदानंद, मेरी इस लोक और परलोक की सभी कामनाओं को शीघ्र पूरी करो। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना करके स्त्री सहित सदाचारी विद्वान ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम का स्मरण आनंद से जो है करके और भोजन करना चाहिए। विधि पूर्वक गंध अक्षत से पूजा करके विप्र रूप में हरि और ब्राह्मणी रूप में राधा को स्मरण करता हुआ घी से भुने हुए चावल की खीर से भोजन करावे। व्रती पुरुष अंगूर, केला और अनेक प्रकार के पके हुए मीठे आम आदि फल, घी से बनाए हुए पकवान, श्रेष्ठ उड़द के बड़े घेवर फेणी और अन्य प्रकार के शकर और ठोर खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, श्रेष्ठ नींबू और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक सब्जियों, 6 रसों से बने हुए चारों प्रकार की पूरी, कचौड़ी, चटनी, अचार आदि से भोजन, सुगंधित पदार्थ, पापड़, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से युक्त मखाना, चिरौंजी मिश्रित गोरस परोस करके कहे कि हे ब्राह्मण, आप यह परोसा हुआ श्रेष्ठ और स्वादिष्ट भोजन करें। जो आपको अच्छा लगे वही मांग मांग करके आप लीजिएगा। मैं आज धन्य हूँ जो आपकी कृपा का पात्र बना हूँ। आज मेरा जन्म सफल हुआ है। इस प्रकार कह करके आनंद से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करवाए। इलायची, लौंग, कपूर, नागर पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना संयुक्त पान भगवान को प्रिय है, अतः सब वस्तु सहित आदर से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान करे। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मण को दान करता है, उनको खिलाता पिलाता है, वह इस लोक में ऐश्वर्यवान होकर के परलोक में देवताओं का स्थान प्राप्त करता है। सपत्नी ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनके हाथ में लड्डू रखे और ब्राह्मणियों को पीताम्बर से सजी बांसुरी का दान करे। द्वार तक ब्राह्मणों के पीछे जा करके और उनको छोड़ करके प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इस प्रकार हाथ जोड़ करके भगवान पुरुषोत्तम से क्षमा याचना करें तथा जनार्दन भगवान को नमस्कार करके यस्य स्मृत्या नमो युक्त्या तपो यज्ञ क्रीडा जिषु न्यूनम संपूर्णताम यान्ति सद्यो वंदे तम अच्युतम। इस प्रकार प्रार्थना करें कि यदि मेरे पुरुषोत्तम मास के पूजन कर्म में और इस कार्य में कोई भी गलती हो गई है, कोई कमी हो गई है, तो उसे आप क्षमा करिएगा और भगवान की कृपा हमारे परिवार पर सदैव बनी रहे तथा यह भगवान की कृपा से पूर्ण फलदायक हमारे लिए सिद्ध हो। इस प्रकार प्रार्थना करके सबको समान भाव से प्रसाद का वितरण करें तथा मिथ्या भाषण छोड़ करके कुटुंबी जनों के साथ में भोजन करें। अमावस्या आने पर रात्रि में जागरण करें, स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में सपत्निक व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करके पूजा पूर्ण करें। फिर आचार्य को सामग्री सहित मूर्ति का दान करें और श्रद्धा पूर्वक यथा योग्य अन्न दान दे। चाहे कैसे भी हो यह व्रत करें और भक्ति के अनुसार सामर्थ्य अनुसार दान करें। इस व्रत के करने से चाहे नर हो या नारी हो, जन्म जन्मांतर के दुख, दारिद्र व दुर्भाग्य नहीं पाते हैं और नाना प्रकार के मनोरथ पूर्ण करके अंत में विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले कि श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास के नियम को जो अविलंब करते हैं, वे पूर्वजों के साथ सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को, गोलोक धाम को प्राप्त कर लेते हैं और इस संसार में समस्त भौतिक सुखों की उन्हें प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो जो भी वह चाहता है वह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास के 25वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अच्युतम केशवम धाम नारायणम
कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासु देवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गो माता की जय हो, नगर की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण के निमित्त या फिर पुरुषोत्तम मास के निमित्त दान दक्षिणा देना चाहते हैं, मालपुए के निमित्त, अन्नदान के निमित्त, वस्त्र दान के निमित्त, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि हम तक पहुंचा करके अधिक मास पुरुषोत्तम मास का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपना नाम और गोत्र भी हमें बता देंगे तो जिससे आपके नाम से संकल्प करके आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।